महेशी मेही के जन्म जयंती को लेकर निकाली गई जुलूस पर दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर। कई कई लोग हुए घायल, पूरा इलाका पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर चले। मामले में चार लोग घायल हुए। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती किया गया है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल महर्षि मेही के जन्म जयंती को लेकर जुलूस निकला था। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला को ठोकर लग गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। असामाजिक तत्वों ने मंडी की सब्जियां सड़क पर फेंक दी, जमकर उत्पात मचाया। मामला बढ़ता देख एसपी एसडीओ व एसडीपीओ दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नारायणपुर के पीएचसी में 6 घायलों को भर्ती कराया गया। इनमें से 2 को जीएलएनएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायलों में नारायणपुर के रूपेश कुमार, प्रकाश कुमार, सत्यम कुमार, अभिनंदन, आशीष कुमार, ईशो यादव शामिल है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि एक जुलूस निकला था, उसमें एक बच्चे की साइकिल महिला के पैर में लगी, जिसके बाद विवाद हुआ। शांति बनाने के लिए दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कार्रवाई की जाएगी। यहाँ विवाद हुआ किसी और जगह, यहाँ पे आ गए, उल्टा ना पुल्टा लगा सर, सब्जी उल्टा पुल्टा दिया, सब कुछ लूट लाप लिया। कौन बोलता है? गया इस हजार का बेटा था, पोता था, उसी का। कितने बजे हुआ? 10-11। क्या हुआ है नुकसान? देखते हैं सब्जी सब सब उल्टा दिया, लूट लाप लिया सब। कितना का नुकसान हुआ? 50,000 का नुकसान। पूरा सब्जी? पूरा सब्जी 50,000 का। कितने लोग थे? 200 लोग। 300 लोग। पुलिस पहुंची थी? पुलिस पहुंची थी, कुछ नहीं किया। उसके सामने में सब उन्टाया कुंटाया था, उसको पुलिस देख रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। उसके कहां सामने से आप लोग सब्जी लाकर बेचते? लत्तीपुर होते हैं सर, लोकल होते हैं सर, लोकल भी सब्जी होते हैं, लत्तीपुर भी होते हैं। पुलिस के सामने में, दुर्गा के सामने में सब उल्टा पुल्टा दिया, मारपीट भी। हाँ सर, मारपीट भी किया सब, दुर्गा के सामने में किया। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। अभी स्थिति एकदम पीसफुल है, नियंत्रण में है। पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब लोगों की रिपोर्टेशन हर जगह पर कर दिया गया है। हम लोग भी यहाँ कैंप कर रहे हैं और दोनों पक्षों के जो गणमान्य लोग हैं, जो शांति पसंद लोग हैं, उनके साथ अभी हम लोग मीटिंग करेंगे। इन सब चीज़ों का स्थायी रूप से समाधान किया जा सके। और छोटी सी बात को लेकर के दोनों पक्ष के बीच में तुतुमे हुआ और 2-3 लोगों को चोटें भी आई हैं, और छोटी मोटी हल्की फुल्की चोट है। तो स्थिति एकदम नियंत्रण में। और सामाजिक तत्व तो इसमें लग जाते हैं? समाज के ही लोग हैं, असामाजिक नहीं कहेंगे। आवेश हो जाता है किसी छोटी छोटी बात को लेकर के। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो ना समझ टाइप के हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये थोड़ा मामला बढ़ गया था। और र्यूमर होता है इसमें, तो र्यूमर होने की वजह से दोनों पक्ष के लोग टूटने लगे थे। तो पुलिस और प्रशासन के लोग उनको समझाने में कामयाब रहे हैं, और पब्लिक ही यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उन्हीं के सहयोग से शांति स्थापित हुआ है। और दोनों तरफ के जनप्रतिनिधि और जनमान्य लोग हैं और इसमें लगे हुए हैं। हमारे प्रशासन के तरफ से SDM सर हैं और पुलिस प्रशासन के तरफ से SP साहब भी आए थे। तो स्थिति एकदम नियंत्रण में है। मामले में कोई कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई होगी, अगर चोट लगी है तो निश्चित रूप से केस वगैरह FIR की प्रक्रिया होगी। पहले हम लोग शांति स्थापित कर लें, उसके बाद में वो सब। सर क्या वजह, कारण क्या रही थी घटना? कारण है कि कुछ लोग वो एक रैली टाइप का निकालते हैं, मेही दास, महर्षि मेही दास है उनका शायद जन्मोत्सव मनाने के लिए। उसमें महिलाएं थी और बाजार थोड़ा संकरा है, तो उसी में लगता है कि किसी बच्चे साइकिल से जा रहे थे, उनका साइकिल का टायर महिला के पैर में लग गई। उसी बात को लेकर के हल्की फुल्की बातें हुई, तो ऐसा बात नहीं। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए, हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, DJ फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया भागलपुर, 9661904817,
3443194।